दुकानदार भाइयों से निवेदन है तो आज ये बंद बुलाया गया है नशा बेचने के वालों के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ बुलाया। आज आप सब से हम यही तरफ चाहते हैं कि इस बंद के अंदर हमारा समर्थन करें, सहयोग करें, क्योंकि ये सर्व समाज की बंद बुलाई गई है और आप सभी साथियों का सहयोग चाहिए। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नशा बेचने वालों को गिरफ्तार करो। सभी भाइयों से निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है, सर्व समाज की ये बंद बुलाई गई है, कृपया हमारा सहयोग करें और दुकानें अपनी विरोध के खिलाफ समर्थन में हमारे बंद रखें। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन, सर ऐसा है 25 तारीख को हमारे युवकों पर हमला हुआ था। दो तीन दिन हमने बहुत वेट की प्रशासन की भी उन्हें गिरफ्तार करो, पर पुलिस की कोई भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि उन्हें गिरफ्तार करे। 28 तारीख को हमने रोड जाम किया था, पुलिस ने हमसे दो दिन का टाइम मांगा था, इतवार और सोमवार, पर पुलिस अभी तक उन्हें नहीं पकड़ पाई थी। हमने उसी दिन ये कहा था सोमवार मंगलवार को नहीं पकड़ोगे तो हम मंगलवार को शहर बंद करवाएंगे, और शहर के सभी व्यापारी लोग हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा बाजार बंद है, हमने किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की अभी तक, ना ही करेंगे। व्यापार मंडल, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, जितने भी व्यापारी मंडल हैं सब हमारे साथ हैं। ऐसा हमारे इसमें कुछ भी नहीं होगा, पुलिस प्रशासन की, हमारी खुद की होगी। हाँ जी बिल्कुल हमारी होगी। अमन खलनायक नाम से लड़का है जी, वो चिट्टा बेचता है जी, प्रशासन को पता है भैया ये सब बात, आज से काम नहीं कर रहा वो, पुलिस प्रशासन उसके साथ मिला हुआ है, हमने पहले भी ये बात कही थी और आज यही कह रहे हैं। रंजिश, ये जो लड़का मोनू था इसने विरोध किया था चिट्टे का, भाई इसे हमारे एरिया में चिट्टा मत बेचो, और उसी का नतीजा ये है कि उसे गोली खानी पड़ी, और उन्होंने तो उसको अपनी तरफ से मार के छोड़ा था, तीन गोली उसके लगी है, आज भी आईसीयू में हिसार वो एडमिट है, भगवान करे अभी तक सही रहे वो, पर है आईसीयू में। अगर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा। आज का ये जो बंद है वो सुरक्षापूर्वक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आपने देखा होगा हमारे से पहले ही व्यापारी भाई हमारे साथ हैं, बाजार सभी बंद हैं, सभी हमारे साथ हैं, ऐसी कोई घटना नहीं होगी। कोई किसी प्रकार की दिक्कत है ही नहीं, जब कोई दिक्कत नहीं। ये जो घात हुई है ये कल किसी और के साथ भी हो सकती है ना, किसी का बच्चा किसी के साथ हो सकती है ना, अगर नशे को हम नहीं रोकेंगे
तो ये घटना तो होती रहेगी सिरसा में। प्रशासन को जगाओ, गिरफ्तार करो, हमारी एक ही मांग, हमने मांग क्या की है मुलजी, मुझे गिरफ्तार करो बस, और कोई हमारी कोई मांग ही नहीं है ना।